खंड गीत मेरी ओर से देखेगा। चलो बड़े तुम यार मानी हो ना। एक गीत आप लोगों ने सुना होगा तुम सब के। गीत आप लोगों ने सुना होगा तुम सबटे। से बटे मंथन से निकला अमृत जय हो भोले बाबा का डमरू। जय हो, जय हो भोलेनाथ। जय हो जजमान है पंडित संतोष पटेरिया जी। आपकी ओर से सौ पद मुद्राएं हमारे भैया सोनू सनकी के लिए है और इनका एक नाम और इच्छाधारी। तो एक रूप आपने देखा ये केवल सनके हुए हैं। आज इनके मड़ी हम निकालेंगे। हाँ बेटा इसे मसाला नहीं खाना बेटा, दूध पीना एक नंबर का। ये सौ पद मुद्राएं हमारे सोनू भैया के लिए है, धन्यवाद। हेलो, तिरंगा शान है अपनी, शहादत की निशानी है। क्या गुरु जी, दादा जी, तिरंगा शान है अपनी,
शहादत की निशानी है, वतन पर मरने वालों की अभी बाकी जवानी है, शहीदों की चिताओं से यही आवाज है आती, यही राणा शिवाजी थे, यही झांसी की रानी है। पलक रही ना झपक, ओ होने लगी लपक झपक, तो लपका लपकी में अमृत गया चार जगह पर छलक। चार जगह पर कहां? हरिद्वार, हरिद्वार का एच और इलाहाबाद, इलाहाबाद का पुराना नाम प्रयाग और उससे पुराना नाम अक्षय तीर्थ। अक्षय तीर्थ का ए और एन, नासिक और यू उज्जैन, ये चारों धाम, और ये एच ए एन यू हन, जहां यही हनुमान जी हैं, यहां पहरेदारी है उनकी। शाबाश पटेल, शाबाश, कितने ज्ञानी बिटिया। तो लपका लपकी में अमृत गया चार जगह पर छले, वही तो वही तो वही तो पावन स्थान हो गए, हनु संगमान हो गए। अरे बिटिया, पावन स्थान हो गए, हनु संगमान हो गए। धन्यवाद है, आइए, जैसा आदेश होगा आदेश के अनुसार काम होगा। कहा करते थे कि अगर अगर शुरुआत माँ भगवती के चरणों से हो तो समापन माँ भारती के चरणों में होना चाहिए। बहुत अच्छे बेटे, धन्यवाद, बहुत सुंदर। आइए, इस गीत का तो मुझे नहीं पता कि इसको अब आप लोग अंदाजा लगाएंगे, आप लोग अनुमान लगाएंगे कि ये कौन सा गीत है। फिल्म वालों ने इसको क्या गाया है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इसको अपने पिताजी से सुना है। कैसे बेटे? स्वर्गीय पिता श्री ऋषि विशाला जी, बोलो, वो गाया करते थे। कैसे? राष्ट्र गीत दो पंक्तियों में आप सुने, आपको अच्छा लगेगा। वाह, सुनो बेटा, सुनो, ढोल कम बजाना, सुनो। जिस समय एक सैनिक सीमा पर जाने लगा, उसकी माँ दुखी हो गई। सासे सुनो सुनो। तो जब माँ दुखी हो गई तो बेटे ने कहा, माँ दुखी क्यों होती हो? क्यों? अरे तुम्हारे जितना कलेजा सबका नहीं है माँ। हाँ माँ, मैया मैया। तो कहा, क्या माँ मुझे आशीर्वाद दो। जजे। और क्या आशीर्वाद दो? क्या क्या बेटे, क्या बोलो बेटे, बोलो बोलो मेरे लाल। बोल नहीं बजाना चाहता। कहने लगा सैनिक, तुम्हारी मड़ी निकालेंगे सुबह। फालतू नहीं बजाना। अरे बहुत अच्छी बात, सैनिक ने कह दी कि माँ तुम उदास क्यों होती हो? क्यों मैया? मुझे आशीर्वाद दो कि मैं जिस कार्य के लिए निकला हूँ वो पूरा हो। माँ शाबाश बेटे, शाबाश।
भाई से। जय हो मैया जय हो। कहने लगा क्या क्या माता विदाई दे दो से मिले मैया। और कहा क्या कि घर इस जन्म चुकाना चुकाना घर इस जन्म चुकाना घर इस जन्म चुकाना चुकाना घर इस जन्म चुकाना तो लूंगा जन्म दोबारा माटी ने है के सीमा पे जान दे दू सीमा पे जान दे दू सौभाग्य है तुम्हारा माटी ने है पुकारा। उसके बाद अपनी बहन से मिला और कहने लगा बहन बहन एक काम कर आज आज मेरा दिल चाहता है क्या तू मुझे रक्षाबंधन का रक्षा सूत्र आज ही बांध दे और जीवन का क्या भरोसा फिर तेरी मेरी मुलाकात हो ना हो। और बहन से कहा है बहन 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 क्या राखी दे बांध Yeah!
सोनू। कहाँ है बहन के राखी दे बांध बहना पग पीछे ना ये धारे। और अच्छे बड़े शाबाश और जियो मेरे शेर। वाह के राखी बंधी कलाई के राखी बंधी कलाई दुश्मन का सर उदारे। बहन आराम से बैठ। अगर मैं लौट कर ना आ पाऊं तो रोना नहीं एक बात सोचना। कौन सी बात सुनना बेटा। कि मर जाऊं तो समझना मर जाऊं तो समझना। कहाँ है बहन? बहन कि मर जाऊं तो समझे ना मर जाऊं तो समझे ना सौभा मर जाऊं तो समझे ना मर जाऊं तो समझे ना यही नेक है तुम्हारा। ए भाई का हृदय देखिए। वाह शाबाश बेटा। उसने कहा अगर मैं सीमा पे बलिदान हो जाऊं समझना कि मेरे भाई ने मुझे राखी बंधाई मुझे नेक दिया है। और रोना नहीं जय हो कि मर जाऊं तो समझे ना मर जाऊं तो समझे ना यही नेक है तुम्हारा। माटी ने है जब लौट करके आऊं कहा जब लौट करके आऊं कंगना ये खन खनाना। और कहा जब लौट करके आऊं ये चूड़ियां बजा। कहने लगा क्या जब लौट करके आऊं सिंदूर तब लगाना। और कहने लगा क्या कंगना समझना क्या कि मर जाऊं तो समझे ना कि मर जाऊं तो समझे ना सौभाग्य है तुम्हारा। माटी ने है पुकारा जन्म चुकाना चुकाना गरीस जन्म।
धन्यवाद है आप सभी, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।